लेकिन सर वो बॉस बहुत चालाक है। उसे अभी तक समझ में आ गया होगा कि हम हार मानने वालों में से नहीं, कि हम उससे लड़ेंगे। अच्छी बात तो यह है कि उसे ये पता नहीं है कि आप कहाँ हैं। उसे अभी भी यही लग रहा होगा कि आप ऑडिटोरियम के अंदर ही हैं, इसलिए उसका पूरा ध्यान ना वहीं रहेगा। और अब फायरिंग हो गई है तो मंत्रालय के बाहर भी सबको पता चल गया होगा कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है अंदर। अगर ऐसा है तो पुलिस और फोर्स दोनों वहां पहुंच चुकी होगी। लेकिन सर इसमें भी अच्छाई भी और बुराई भी, क्योंकि अब वो बॉस, अब वो भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी आर पार की लड़ाई करेगा। हेलो दयासागर। कौन? मैं कौन हूँ? ये तुम्हें लक्ष्मी बता देगी। तुम मेरी बात सुनो। मैंने बॉम एक्टिवेट कर दिया है। आधा घंटा है तुम्हारे पास। पूरा मंत्रालय उड़ जाएगा। सारे सबूत मेरे पास लेकर आओगे। वो सबूत जिनसे तुम धमाका करने वाले थे? धमाका तुम नहीं बल्कि मैं करूंगा। तो सारा खेल उसका है। यहाँ सैकड़ों नहीं हजारों लोग हैं जिनकी जान तुम्हारे हाथ में है, और तुम भी उन हजारों में हो। तुम भी नहीं बचोगे। हमारा क्या है, कफन बांध कर निकलते। लेकिन ये बात अलग है मंत्री जी, कि हम कफन किसी और का तैयार करके वहां से निकल जाते। और आज भी यही होगा। तुम्हारी पुलिस, तुम्हारे कमांडोज, कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। और हाँ, वो कैमरा बंद करने का आइडिया जरूर लक्ष्मी का होगा। अब इतना तो मैं समझ गया हूँ कि तुम वहाँ नहीं हो, और मुझे जानना भी नहीं कि तुम हो या नहीं, क्योंकि अब तुम खुद मेरे पास सबूत लेकर आओगे। और मैं तुम्हें बताता हूँ कि सबूत लेकर कहाँ आना है। मैं कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हूँ। लक्ष्मी को बता देना कि ऋषि मेरे पास बेहोश पड़ा है, और लक्ष्मी की बहन भी मेरे कब्जे में है, और न जाने सैकड़ों लोगों की जान भी मेरी मुट्ठी में है। तो इसलिए चालाकी तो बिल्कुल भी मत करना मंत्री जी। वक्त निकलता जा रहा है, 25 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास। और मंत्री जी अगर मुझे पकड़ने के बारे में सोचा तो याद रखना मैं एक बॉम एक्सपर्ट हूँ। मैं कहीं से भी बॉम एक्टिवेट कर सकता हूँ और उसको डिफ्यूज भी कर सकता हूँ। तो इसलिए चुपचाप सबूत लेकर मेरे पास आ जाओ, और यहाँ से इतने सैकड़ों लोगों की जान बचाकर निकल जाओ। तो दयासागर मंत्री जी, अब सब तुम्हारे ऊपर है। सबूत मुझे दे दो और मासूम सैकड़ों लोगों की जान बचा लो, और निकल जाओ यहाँ से। वो भ्रष्टाचारी इस हद तक जाएगा कभी सोचा नहीं था। बुरे काम तो करता ही है वो, लेकिन अब वो आतंकवादियों का भी साथ दे रहा है, उनकी मदद करता है, उनसे मदद लेता है। मन तो कर रहा है कि उसका असली चेहरा सबके सामने ले आऊं और उसे जनता के हवाले कर दूं, लेकिन मैं कानून की इज्जत करता हूं, इसलिए अपने आप को काबू में रखे हुए हूं। प्लीज प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। मैंने कहा ना आपसे, बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। आप एक काम कीजिए, आप वो सबूत मुझे बताइए कहाँ है, मैं खुद लेकर जाती हूँ। नहीं, मैं जाऊंगा। इस बार ना तो तुम बीच में आओगे और ना ही तुम कुछ करोगे, समझे लक्ष्मी? जो करना है मैं करूंगा। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।